हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, कैथल में सुरजेवाला परिवार की वापसी, बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कपिस्थल कैथल की विराट विशाल पवित्र संस्कृति और संस्कारों से सरोबार कैथल की भूमि और कैथल के लोगों की जीत है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। कैथल के लोगों ने ये निर्णय कर लिया था कि वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, सदाचार और सद्भाव की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में विश्वास कर कैथल की तपोभूमि लड़ेगी और पूरे कैथल पूरे कैथल में कांग्रेस पार्टी इसलिए भारी बहुमत से जीत रही है। ये दर्शाता है कि प्रदेश के ट्रेंड को तोड़कर कैथल ने राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में, कांग्रेस में विश्वास जताया है। मैं हाथ जोड़कर कैथल जिले के हर एक व्यक्ति का, खास तौर से कैथल विधानसभा की तपोभूमि के हर व्यक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। रणदीप जी, आदित्य ने जिस तरह से आदित्य उतरे, रणदीप ही लड़ रहे थे, रणदीप के टिप्स काम आ रहे थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, क्या इस बार अलग रहा कि कैथल में कांग्रेस की झोली में सीट गई? और दूसरी बात, जो ट्रेंड आ रहे हैं, शुरुआत में कुछ थे, फिलहाल बीजेपी फिर से सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी नतीजे आने दीजिए, परिणाम आएंगे तो उस पर टिप्पणी फिर करेंगे देखकर। मुझे अभी भी विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का चांस है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, पहले पूरे नतीजे आने दें। जहां तक कैथल का प्रश्न है, नतीजे साफ हैं, कैथल की 4 विधानसभा सीट हैं, हम लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं। राहुल जी और खड़गे जी में कैथल के लोगों ने विश्वास जताया है, पूरे प्रदेश के ट्रेंड को तोड़ा है। ये दर्शाता है कि संस्कार और संस्कृति की इस भूमि के लोग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास। ना सवाल, आपने पिछली बार भी कहा था कि सीएम बनना सबकी इच्छा है, इस बार भी आपने कहा, अभी नतीजे आपने कहा नहीं आए, लेकिन ट्रेंड की बात करें, अगर कांग्रेस सरकार नहीं बनती, मंथन तो होगा ना, जो सवाल खड़े हो रहे थे वो। देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत प्री मेच्योर है, अभी नतीजे आने दीजिए। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस सरकार बना सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रणदीप सुरजेवाला, News@In से एक्सक्लूसिव बातचीत। आदित्य सुरजेवाला जीते हैं, कहा कि अभी नतीजे आने दीजिए, और जो विश्वास जताया है वो बहुत मायने रखता है, लेकिन कांग्रेस सरकार बना पाएगी नहीं पाएगी इस पर कुछ नहीं कहा कि अभी देखते हैं क्या होता है, क्या सवाल होगी, समीक्षा होगी, वो पूरे नतीजे जब तक नहीं आते तब तक कुछ कहना मुश्किल है। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, कैथल में सुरजेवाला परिवार की वापसी, बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कपिस्थल कैथल की विराट विशाल पवित्र संस्कृति और संस्कारों से सरोबार कैथल की भूमि और कैथल के लोगों की जीत है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। कैथल के लोगों ने ये निर्णय कर लिया था कि वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, सदाचार और सद्भाव की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में विश्वास कर कैथल की तपोभूमि लड़ेगी और पूरे कैथल में कांग्रेस पार्टी इसलिए भारी बहुमत से जीत रही है। ये दर्शाता है कि प्रदेश के ट्रेंड को तोड़कर कैथल ने राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में, कांग्रेस में विश्वास जताया है। मैं हाथ जोड़कर कैथल जिले के हर एक व्यक्ति का, खास तौर से कैथल विधानसभा की तपोभूमि के हर व्यक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। रणदीप जी, आदित्य ने जिस तरह से आदित्य उतरे, रणदीप ही लड़ रहे थे, रणदीप के टिप्स काम आ रहे थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, क्या इस बार अलग रहा कि कैथल में कांग्रेस की झोली में सीट गई? और दूसरी बात, जो ट्रेंड आ रहे हैं, शुरुआत में कुछ थे, फिलहाल बीजेपी फिर से सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी नतीजे आने दीजिए, परिणाम आएंगे तो उस पर टिप्पणी फिर करेंगे देखकर। मुझे अभी भी विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का चांस है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, पहले पूरे नतीजे आने दें। जहां तक कैथल का प्रश्न है, नतीजे साफ हैं, कैथल की 4 विधानसभा सीट हैं, हम लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं। राहुल जी और खड़गे जी में कैथल के लोगों ने विश्वास जताया है, पूरे प्रदेश के ट्रेंड को तोड़ा है। ये दर्शाता है कि संस्कार और संस्कृति की इस भूमि के लोग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास। ना सवाल, आपने पिछली बार भी कहा था कि सीएम बनना सबकी इच्छा है, इस बार भी आपने कहा, अभी नतीजे आपने कहा नहीं आए, लेकिन ट्रेंड की बात करें, अगर कांग्रेस सरकार नहीं बनती,
मंथन तो होगा ना, जो सवाल खड़े हो रहे थे वो। देखिए अभी कुछ भी कहना बहुत प्री मैच्योर है, अभी नतीजे आने दीजिए। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रणदीप सुरजेवाला, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत। आदित्य सुरजेवाला जीते हैं, कहा कि अभी नतीजे आने दीजिए, और जो विश्वास जताया है वो बहुत मायने रखता है, लेकिन कांग्रेस सरकार बना पाएगी नहीं पाएगी इस पर कुछ नहीं कहा कि अभी देखते हैं क्या होता है, क्या सवाल होगी, समीक्षा होगी, वो पूरे नतीजे जब तक नहीं आते तब तक कुछ कहना मुश्किल है।